हमने एक्सरसाइज 3 7.3 कंप्लीट की थी। अब उससे आगे है टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनका डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले हम कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन है उससे रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कुछ जिनका यूज होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग ए एम एन इज इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन। बेस ए है इसमें, इसको बेस बोलते हैं, लॉग एम एन टू द बेस ए। तो प्रोडक्ट में हो तो सम में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड में हो तो किस में हो जाता है, माइनस में। नेक्स्ट है लॉग ए एम रेज टू पावर एन, क्या होता है, एन लॉग ए एम एम टू द बेस ए। लॉग एम टू द बेस बी। नेक्स्ट है लॉग बी टू द बेस ए इंटू लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू वन, और लॉग ए टू द बेस ए इज इक्वल टू वन एंड लॉग वन टू द बेस ए इज इक्वल टू जीरो। एम एन ए बी जो हमने यूज किए हैं सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट होता है, लॉगरिथम में सम हो जाता है, और डिवाइड हो रहा हो जिसका हम लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वो, और पावर में हो तो पावर कहाँ जाती है, आगे। और दो लॉगरिथम का मल्टीप्लाई हो उनका बेस अलग अलग हो, यहाँ पर वही बेस है जो यहाँ है, तो उसमें क्या आ जाएगा, लॉग एम टू द बेस बी। और लॉग बी टू द बेस ए और लॉग ए टू द बेस बी दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कितना आ जाता है, वन। बेस और जिसकी हम लॉगरिथम वैल्यू निकालना चाहते हैं वो आपस में कन्वर्ट हो रहे हों, इंटरचेंज हो रहे हों, और उनका प्रोडक्ट हो तो वैल्यू कितनी आएगी, वन। बेस और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो दोनों सेम हों तो क्या वैल्यू आएगी, वन। लॉग ए टू द बेस ए, यहाँ पर क्या है, ये लॉग ए टू द बेस ए कितना जाएगा, वन, और लॉग वन टू द बेस ए कितना आएगा, जीरो। एक ही जगह कोई भी कॉन्स्टेंट यूज हो सकता है इनमें। जब ई यूज होता है तो हम लिखते नहीं हैं लॉग के साथ, इस तरह से लिखेंगे, अंडरस्टूड है, लॉग एम एन इट मीन्स इट बेस इज ई, इसको हम नहीं लिख रहे। अगर कोई बेस नहीं लिख रखे है लॉग के साथ, इट मीन्स उसका बेस कितना है, ई है, जिसे नेचुरल बेस बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। जिसका बेस ई हो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथम्स। तो लॉग एम एन किसके इक्वल होगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। अगर बेस ई को छोड़कर और कुछ है तो लिखेंगे हम इस तरह से, प्रोडक्ट सम में बदल जाता है, डिवाइड है वो डिफरेंस में, पावर है वो आगे आ जाती है लॉगरिथम में, और अगर बेस और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो इंटरचेंज हो रहे हैं उनका प्रोडक्ट है तो कितना आ जाएगा, वन, और लॉग वन का बेस क्या आएगा, जीरो, चाहे बेस कुछ भी हो। ये है यहाँ पर पॉजिटिव, ई हो तो भी इतना ही आएगा। ए क्या है यहाँ पर, कोई कॉन्स्टेंट रियल नंबर। तो ये हो गया हमारे लॉगरिथम से रिलेटेड फॉर्मूले। अब इनसे रिलेटेड लिमिट भी पढ़ते हैं हम। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स, इसकी लिमिट होती है ई। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स, इसकी लिमिट होती है ई। जो यहाँ है ऊपर इसका पावर में क्या हो, रेसिप्रोकल, तो उसकी लिमिट ई होती है। अगली है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स बेस ई हो तो क्या होगा, हमारे पास ये वन होती है लिमिट, लॉगरिथम ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट वन होती है।
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए। तो ये है इसमें लिमिट से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है उसकी लिमिट के फॉर्मूले हैं ये। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स की वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट आएगी वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की लिमिट आएगी वन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की लिमिट आएगी लॉग ए। अब इनका हम डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, लेट डेल x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। डेल एक्स बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल वाई बी द कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट इन वाई। इसके कोरस्पोंडिंग वाई में भी इंक्रीमेंट हो गया, तो क्या बन गई इक्वेशन, वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस डेल एक्स टू द बेस ए। ये दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन वन हो गई और ये इक्वेशन टू हो गई। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन वन को हम इक्वेशन टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन ये आएगी, डेल वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस डेल एक्स टू द बेस ए माइनस लॉग एक्स टू द बेस ए। जिसकी लॉगरिथम वैल्यू निकालते हैं उसके यहाँ साथ में क्या लिखा होता है, बेस लॉगरिथम में। तो ये सब्ट्रैक्ट किए तो ये बन गया, यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट किया तो डेल, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया। क्या फॉर्मूला होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या होता है, लॉग एम बाई एन। तो एम तो हो गया एक्स प्लस डेल एक्स और एन हो गया एक्स, क्योंकि अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए किसके इक्वल होता है, लॉग एम बाई एन टू द बेस ए। अब इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल वाई इज इक्वल टू लॉग वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स, वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स। अब हम डेरिवेटिव निकालने के लिए इसकी लिमिट सोल्व करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या करें, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल एक्स, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल एक्स क्या बनेगा हमारे पास, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू वन बाई डेल एक्स इंटू लॉग वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स टू द बेस ए। अब जो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स है, अगर वो चेंज इन एक्स वेरी स्मॉल है देन दिस रेशियो इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल वाई अपॉन डेल एक्स व्हेन लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो देन दिस रेशियो इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स की डेफिनेशन है। तो हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वी गेट क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स
is equal to limit del x tends to 0 1 by del x to log 1 plus del x by x to the base a. अब ये जो हमारे पास इस लिमिट को सोल्व करने के लिए हमने लिमिट पढ़ी है, तो लिमिट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स हो, ये लिमिट हमने पढ़ी है. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स रेज टू पावर वन बाई एक्स, तो ये लिमिट कितनी होती है, ई होती है. जो कुछ वन में ऐड हो रहा है उसके ऊपर क्या हो, रेसिप्रोकल, तो लिमिट कितनी होती है, ई. तो यहाँ पर देखो वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स है, ऊपर पावर में क्या होना चाहिए इसका, रेसिप्रोकल. तो वन बाई डेल एक्स इसके मल्टीप्लाई में है लॉगरिथम के साथ, तो जो भी लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई में है उसको हम उसकी पावर में लिख सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम. क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग बेस ए वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स होल पावर वन बाई डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं. एन लॉग एम किसके इक्वल होता है, लॉग एम रेज टू पावर एन. एन लॉग एम किसके इक्वल होगा, लॉग एम रेज टू पावर एन किसके इक्वल होता है, एन लॉग एम. तो यहां पर ये बन गया. आप देखो डेल एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, लेकिन जो वन के साथ में है उसको ऊपर क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए हम क्या करें, इसमें डेल एक्स बाई एक्स है तो ऊपर क्या बनना चाहिए, एक्स बाई डेल एक्स. तो उसके लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स से ही डिवाइड, जितनी जरूरत है उतने को रखेंगे, बाकी हम बाहर निकाल लेंगे. तो क्या बन जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो और लोग वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स, यहां पर बेस ए है लोगरिथम का, और पावर हुई एक्स बाई डेल एक्स, और इसकी पावर कितनी हुई, वन बाई एक्स. अलग लिख सकते हैं बाहर, जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वन के साथ प्लस में है उसको ऊपर क्या होना चाहिए, पावर में रेसिप्रोकल. तो वो लिमिट कितनी हो जाती है, ई हो जाती है. वो लिमिट कितनी हो जाती है, ई. तो ये लिमिट ई हो जाएगी बाय फॉर्मूला, वन प्लस एक्स की जगह ये है और ऊपर क्या है इसका, रेसिप्रोकल. और जो वन के प्लस में है वो किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, क्योंकि डेल एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, तो डेल एक्स बाई एक्स भी जीरो को टेंड करेगा. तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, ई. और जो ये पावर है, इस पावर को मैं आगे ले आ सकता हूँ लॉगरिथम में, जो भी जिसका भी लॉगरिथम है उसकी पावर में अगर कुछ है तो उसको आगे ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लिमिट में. तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वन बाई एक्स लॉग वन प्लस डेल एक्स बाई एक्स और होल पावर हो गई एक्स बाई डेल एक्स. अब ये लिमिट कितनी होती है, ई होती है. ये भी हमने पढ़ा, और इसमें डेल एक्स है नहीं, तो वन बाई एक्स पर डेल एक्स का कोई इफेक्ट नहीं, और ये लिमिट कितनी होती है, ई होती है. क्या आ जाएगा, लॉग ई टू द बेस ए. तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स. इसको हम क्या कहते हैं लिमिट को, डी वाई बाई डी एक्स. तो जब हमारे पास वाई अगर लॉगरिथम हो, एक्स का निकालना हो डेरिवेटिव, जिसका बेस क्या है ए, ये ए की पावर में नहीं है, ध्यान देने की बात है, क्या है ये लॉग एक्स टू द बेस में ए में है, ए रेज टू पावर एक्स में, और इसमें डिफरेंस है, क्या है ये लॉग एक्स टू द बेस ए बोलते हैं. लॉग एक्स का डेरिवेटिव है व्हेन बेस इज ए, फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे. लॉग के साथ जो कुछ है वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ऐसे याद रखेंगे, वन बाई एक्स और लॉग बेस और कुछ है तो क्या आ जाएगा, लॉग ए ई डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया है. इसमें हमने कुछ लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो यूज की हैं. तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी क्या यूज की है, लॉग एम माइनस लॉग एन की, लॉग एम बाई एन, और पावर वाली यूज की है, ये मल्टीप्लाई में थे, कहाँ चले गए लॉगरिथम की पावर में, वन बाई डेल एक्स. अब जितना साथ में वन के प्लस में है उतना ही बनाना पड़ेगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड, तो ये बन गया हमारे पास, और ये लिमिट कितनी होती है, ई.
वन बाई एक्स आगे आ गया, तो वन बाई एक्स लोग ई टू द बेस ए आ गया हमारे पास, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला बनाएंगे, क्या बनता है, लेट डेल x बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, एंड डेल y बी दी कोरस्पोंडिंग इंक्रीमेंट corresponding increment in y। ये y में इंक्रीमेंट हो गया है, जब x में कुछ चेंजिंग होगा तो y ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा, तो क्या बनेगा, y प्लस डेल y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x प्लस डेल x। ये इक्वेशन वन हो गई और ये इक्वेशन टू हो गई। तो कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, इक्वेशन टू में से हम इक्वेशन वन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए रेज टू पावर एक्स। तो डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे हम, प्लस में है तो इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर डेल एक्स माइनस ए रेज टू पावर एक्स, डेल वाई इज इक्वल टू दोनों से ए रेज टू पावर एक्स कॉमन आएगा और ये बन जाएगा ए रेज टू पावर डेल एक्स माइनस वन। y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल x, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डेल x, वी गेट दोनों तरफ डेल x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू a रेज टू पावर x इंटू a रेज टू पावर डेल x माइनस वन अपॉन डेल एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स किसे कहते हैं, व्हेन चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, दोनों का जो रेशियो है डेल वाई अपॉन डेल एक्स वो कब निकाला जाए, जब डेल एक्स किसको टेंड कर रहा हो, जीरो को, तो उस रेशियो को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो अप्लाइंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो वी गेट, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, जब डेल एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स इंटू ए रेज टू पावर डेल एक्स माइनस वन अपॉन डेल एक्स। अब इसमें तो डेल एक्स है नहीं, तो ए रेज टू पावर एक्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और a रेज टू पावर x इससे बाहर आ जाएगा और अंदर जो कुछ है उसका क्या होगा, लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो a रेज टू पावर डेल x माइनस वन अपॉन डेल x। तो a रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इसकी लिमिट क्या पढ़ी हमने, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट होती है लॉग ए, बेस ई होता है इसका, तो इसकी लिमिट देखो जो कुछ ए की पावर में है वही नीचे है, पावर में वही नीचे है, वो किसको टेंड करे, जीरो को, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लॉग ए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम, y इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x का फॉर्मूला हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x इंटू लोग ए। नेक्स्ट है
वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, तो ये तो इसी से आ जाएगा। जैसे हमने वाई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स का क्या निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स इंटू लोगे, और इसमें जब बेस लिखा नहीं रहता, जब बेस कितना होता है, ई होता है। ई किसके इक्वल होता है, वन प्लस वन बाई वन फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन बाई फोर फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। दिस सम इज कॉल्ड ई एक्सपोनेंशियल, ई से लिखते हैं इस सम को। तो ये जो बेस होता है ये ई होता है हमारे पास, जब नहीं लिखा रहता, जब बेस कितना होता है, ई। अब देखो यहाँ पर ए की जगह क्या रिप्लेस कर दे, ई, तो क्या आ जाएगा, वेन वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ए जहाँ दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर दो, ई पुट कर दो इसमें, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई, ए की जगह ई रखेंगे यहाँ भी, जब बेस और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हैं वो दोनों सेम हो तो उसकी लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ई रेज टू पावर एक्स इंटू वन क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या रहता है, एज इट इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई रेज टू पावर एक्स के डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। अगर इसको चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो वैसे भी निकाल सकते हैं, क्या करेंगे उसके लिए, लेट डेल एक्स बी दी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई इज डेल वाई, क्या बन जाएगा उसी तरीके से वाई प्लस डेल वाई। तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, जहाँ ए दिख रहा है ए की एक्स की जगह ई की एक्स रखना था, तो जो डेरिवेटिव उसमें ए कॉन्स्टेंट जगह क्या रख दे, ई रख दे, तो ये बन गया। इसी तरीके से लॉगरिथम का है, जब जिस लॉगरिथम का बेस ई हो उस केस में हम कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई हो, जब हमने किसका पढ़ा है इससे पहले, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए का पढ़ा है, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स जो साथ में वो डिवाइड में आ जाएगा, और लॉग ए ई, लॉग ए ई होता है इसका, मीन्स ए की पावर नहीं है ई, यहाँ पर ई ई का लॉगरिथम निकाल रहे हैं हम, जब बेस कितना है, ए है, जब इसको बेस बोलते हैं जो नीचे लिखा रहता है। तो लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव है ये एक्स के रिस्पेक्ट में, ये होता है। अब देखो ए की जगह किसने ले ली इसमें, ई ने, तो जहाँ ए इस फॉर्मूले में दिख रहा है वहाँ पर क्या रख दो, ई रख दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ई, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ई, और जब बेस और ये सेम हो, जिसकी लॉगरिथम वैल्यू निकाल रहे हैं सेम हो, तो उसकी लिमिट कितनी होती है, सॉरी उसकी लॉगरिथम की वैल्यू क्या होती है, वन। हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी लॉग ए टू द बेस ए वन होता है, अगर ये दोनों सेम हो तो वन होगा, यहाँ भी ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, वन। तो लिमिट, सॉरी डेरिवेटिव कितना आ गया, वन बाई एक्स इंटू वन, वन बाई एक्स आ गया है इसका डेरिवेटिव। तो लॉग एक्स बोल सकते हैं इसको सिंपल, क्योंकि इसका बेस क्या है, ई है, तो बेस लिखने की जरूरत नहीं होती है जब ई बेस हो, जब अंडरस्टूड होता है तो ई बेस हो तो बेस लिखने की जरूरत नहीं है, तो लॉग एक्स भी लिख सकते हैं इसको, और लॉग एक्स टू द बेस ई भी लिख सकते हैं। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, वन बाई एक्स, और लॉग एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या हुआ, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए। तो ये चारों लिख देता हूँ मैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज, और साथ में होगा लॉग ए टू द बेस ई, लॉग ए टू द बेस ई होगा। और अगला है वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगला है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये बेस है, लॉगरिथम किसका निकाल रहे हैं, एक्स का, जब बेस क्या है, ए। तो
तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वन बाई एक्स लॉग ई टू द बेस ए, लॉग ई टू द बेस ए ओ लास्ट रह गया वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाई एक्स होगा इसका ओनली। तो ये फॉर्मूले आए हमारे पास, चार फॉर्मूले हैं, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और लॉग एक्स टू द बेस ए और लॉग एक्स सिंपल, इसको लॉग एक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें बेस नहीं बता रखे हो उसका अंडरस्टूड है बेस क्या होगा, ई। बेस को यहाँ इसके साथ लिखते हैं हम, लॉगरिथम के हर एक लॉगरिथम के साथ बेस जरूर होता है, जिसमें नहीं लिख रखा होता है उसका बेस क्या काउंट किया जाता है, ई अंडरस्टूड होता है वो। तो ये चार फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इनकी लिमिट हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। लॉगरिथम अगर किसी का निकालना है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो उनका क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग होकर उनका सम हो जाएगा, और डिवाइड के नंबर हैं उनका लॉगरिथम निकालना है तो क्या होगा, उनका डिफरेंस हो जाएगा, लॉगरिथम एम माइनस लॉगरिथम एन, और पावर में है तो पावर आगे आ जाएगी, और बेस और जिसका लॉगरिथम निकाल रहे हो दोनों सेम है तो वन आ जाएगा, और लॉग वन टू द बेस ए क्या वैल्यू आएगी, जीरो। तो ये है प्रॉपर्टी, और लॉग बी टू द बेस ए और लॉग ए टू द बेस ए बी अगर इंटरचेंज कर रखे हों, बेस और जिस पर लॉगरिथम वैल्यू निकाल रहे हैं उनको इंटरचेंज करके उनका प्रोडक्ट करें, तो वो वैल्यू कितनी आती है, वन, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये हमने लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो है, और डेरिवेटिव है इनसे रिलेटेड, जो हम एक्सरसाइज 7.4 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।